हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस ऑब्जेक्ट को ड्रा करना सिखाएंगे कि इस ऑब्जेक्ट को आप रे के साथ कैसे सेंटर में आप ड्रा कर सकते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ से न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज लेने के बाद यहाँ से देख लीजिए, इसका जो रेडियस दिया हुआ हुआ है वो कुछ इस प्रकार से दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन 60 की ले लेना है। 60 की लाइन लेने के बाद आपको सिंपली इन सर्कल्स को ड्रा कर लेना। तो चलिए हम लेते हैं 60 की लाइन सबसे पहले। तो दोस्तों, लाइन कमांड आपका यहाँ है। यहाँ से आप लाइन कमांड लेने के बाद आपको क्या करना है, अर्थ ऑन कर लेना है, जिससे आपकी जो लाइन वो सीधी तरह से एकदम चलेगी। तो चलिए यहाँ एक पॉइंट आपको देना है। उसके बाद यहाँ आपको इसकी डिस्टेंस जो देनी है 60, 60 हमने दे दिया। 60 देने के बाद देखिए आपका जो ये लाइन है बहुत लंबी हो गई है। तो आपको माउस का मिडिल बटन पर क्लिक करके जूम इन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, UCS कमांड लेकर UCS आइकन पर जाना है। उसके बाद इस जो हमारा ओरिजिन है इसको हमको क्या करना है, वहाँ से हटा देना ऑब्जेक्ट से। तो देखिए हम यहाँ नो ओरिजिन करेंगे तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा जो ये ओरिजिन पॉइंट था ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट के से दूर हट गया। तो चलिए यहाँ हम सर्कल ड्रा करके दिखाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये जो सर्कल्स दी हुई हैं सबसे पहले इसको ड्रा कर लेना है। एक 10 रेडियस की है और एक 5 रेडियस की, तो हम इसको सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं। तो चलिए ड्रा करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले सर्कल कमांड पे आपको जाना है। उसके बाद सेंटर रेडियस लेना है हमको 5 × 10 रेडियस की, दो सर्कल इधर ड्रा करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 रेडियस की दे देते हैं। उसके बाद हमें 10 रेडियस का इंटरप्रेस करके दे देना है सर्कल। तो हमने 10 रेडियस का भी सर्कल ड्रा कर दिया। अब क्या करना है, उसके बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 2D ड्राइंग पे ले लेंगे। लेने के बाद आपको क्या करना है, 5, 10 एंड 15 एंड 20 20 की जो हमें है सर्कल ड्रा करनी है, जिसकी रेडियस सारी दी हुई है 5, 10, 15 एंड 20। तो चलिए हम आपको ड्रा करके दिखाते हैं। फिर से क्या करना, आपको वही पेज खोल लेना है। उसके बाद यहाँ से सेंटर रेडियस सेलेक्ट कर लेना है। हमको क्या है, इसकी मिड पॉइंट से हमें ट्रैक नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से इसका मिड पॉइंट जो है ट्रैक कर लेना है। यहाँ से मिड पॉइंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद इसके सेंटर पे 5 रेडियस, उसके बाद 10 रेडियस, 10 रेडियस, उसके बाद 15 रेडियस, इसके बाद 20 रेडियस का फिर से हमें जो है 4 सर्कल यहाँ ड्रा करना है। अब देखिए हमारी सारी सर्कल्स जो है ड्रा हो गई। अब हमको सिंपली इस ऑप्शन को मिरर, इस दोनों सर्कल को इस साइड मिरर करना। तो MI इंटर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, या यहाँ आपको मिरर का ऑप्शन दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। दोनों ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से इसका मिड पॉइंट दिया। मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ हम क्लिक करेंगे वर्टिकल, तो आपको यहाँ कहीं टच कर देना। आप पूछ रहा है इरेज सोर्स सब्जेक्ट, तो आपको सोर्स सब्जेक्ट जो है इरेज नहीं करना है, इसलिए नो पर क्लिक कर देना। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है बनकर रेडी हो गया। अब क्या करना है, आपको लाइन कमांड लेना। लाइन कमांड लेने के बाद कीबोर्ड पर आपको TA यानी इंटरप्रेस करना है, जिससे हमें टेंजेंट लाइन प्राप्त होगी। अब हम इसे टेंजेंट करना चाहते हैं, तो फिर से क्या है, लाइन कमांड लेने के बाद हमें TAN इंटर करना फिर से। अब देखिए हमारा यहाँ कहीं टेंजेंट हो जा रहा है। फिर क्या करना, आपको लाइन कमांड फिर से लेना है। फिर उसके बाद TAN इंटर कर देना कीबोर्ड से। फिर उसके बाद कहीं इस तरह से हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट लेना है। फिर से क्या करना, TAN इंटर कर देना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पोर्शन पे टच करा देना, जिससे हमारी लाइन टेंजेंट हो गई। अब क्या करना, हमको इसे बनाना नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं, इसको MI इंटर से मिरर कर देते हैं, जिससे दोनों साइड हमारा क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट लाइन मिरर हो जाएगी। अब ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इंटरप्रेस करेंगे और इसका जो है ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट दे देंगे। अब देखिए हमारा क्या हो गया, यहाँ से ये मिरर हो गया। अब देखिए जिसकी ज़रूरत है हमें उसको रखते हैं, बाकी को ट्रिम कर सकते हैं। तो TR इंटर, हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको ट्रिम कर देते हैं। देखिए
यह ऑप्शन नहीं चाहिए था, हमें इसे ट्रिम कर दिया, ये भी नहीं चाहिए हमें, ये भी लाइन नहीं चाहिए। सिंपली क्या करते हैं, हम इसे लाइन को ही डिलीट कर देते हैं। इसको क्लिक करेंगे, हम लाइन पे टच करेंगे, उसके बाद डिलीट ऑप्शन पे जाके डिलीट कर देंगे। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से, जो हमारे पहला ऑब्जेक्ट है उसी तरह से कुछ बनकर रेडी हो गया। अब देखिए हमारा इस तरह से जो है ऑब्जेक्ट यहाँ बनकर रेडी। हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दें ये वाला ऑप्शन। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये बाहर की लाइन सर्कल की ये वाली लाइन को ट्रिम करना है, तो हम सबसे पहले इसे ट्रिम कर देते हैं दोनों साइड। तो चलिए हमें क्या करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है तो हमें इसे भी ट्रिम कर देते हैं। TR इंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद इसको भी हम ट्रिम कर देंगे। अब देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बनकर रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है ये वाला, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट हमको सेम इसके सेंटर पे ही बनाना है। जिसको क्या करने, सेंटर पे बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको RAR कमांड लेने के बाद आपको इन दोनों को बना लेना है। अब देखिए हम इसको बना के दिखाते हैं आपको। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, RAR कमांड लेना है। सबसे पहले यहाँ से आपको ड्राइंग खोल लेना है, उसके बाद यहाँ से RAY करेंगे, रे से इसका ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लेयर कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, आपको कहीं इसके टच करा देना, उसके बाद इस तरफ से ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ कहीं क्लिक करेंगे तो आपका जो है रे ऑप्शन आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें फिर से इस साइड भी वही काम करना है, फिर से एंटर प्रेस कर लेना है। अब क्या करना है, यहाँ इसके इन पॉइंट से हमें फिर से रिकमांड दे के ऊपर दे देना है। इसी तरह से हमें इस साइड भी करना है, तो हमें ये भी कर देते हैं यहाँ से। चलिए आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ से ट्रैकिंग ऑन रहनी चाहिए आपकी, उसके बाद हमें रिकमांड दे के ऊपर दे देना। उसके बाद यहाँ से हमें फिर से इसको मिरर कर देना है इन तीनों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, MI इंटर किया, उसके बाद हमें क्या करना, सेंटर पॉइंट दे देना। सेंटर पॉइंट से इस तरफ से हमें मिरर करना है, ऊपर की तरफ हम दे देंगे कहीं भी एक पॉइंट। अब हमारा जो है मिरर हो चुका है इन दोनों पे। अब जो हमें और क्या मिरर करना है हम देख लेते हैं ड्राइंग में। हमें देखिए ये करना था मिरर, ये कर दिया हमने, इसका भी मिरर कर दिया। उसके बाद हमें ये पॉइंट भी मिरर करना था। फिर उसके बाद इसके सेंटर से हमें क्या करना था, सेंटर से यहाँ हमें जिस वाली ड्राइंग को मिरर करना है यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद हमें इसका भी मिरर करना है। तो चलिए हम करके दिखा देते हैं आपको। मिरर नहीं करना हमें, रे कमांड से उसको बना देंगे। तो चलिए हमें क्या करना, फिर से RA इंटर करना है, रे इंटर हो गया। उसके बाद हमें इसके यहाँ से ट्रैक करके पॉइंट दे देना है। तो चलिए हमने ऊपर की तरफ यहाँ दे दिया। उसके बाद हमें फिर से क्या करना है, फिर से रिकमांड लेना है। अब देखिए यहाँ से हमारा ट्रैक नहीं हुआ है, अब ट्रैक हुआ, हमें इस तरह से दे देना है। अब देखिए हमारा क्या होगा, रे कमांड से जो हम लाइनें अब खींचेंगे, हमारी प्रॉपर लाइनें यहाँ से यहाँ तक खिंचाएगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली अब देखिए हमारी लाइन खींच आ चुकी है यहाँ से। तो आपका अब यहाँ आपको ये ऊपर एक लाइन बना लेनी है। तो चलिए हम लाइन बना के आपको दिखाते हैं। आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करने के बाद आपको यहाँ से कहीं से लाइन कमांड ले लेना है। चलिए हम यहाँ कहीं लाइन कमांड ले लेते हैं, इसके ट्रैक करके थोड़ा सा। हमने यहाँ ट्रैक किया, उसके बाद इसके एंड पॉइंट पे हमें मिला देते हैं। यहाँ से ट्रैक करने के बाद हमारा जो इसका एंड पॉइंट हमें मिल गया। उसके बाद इस तरह से हमने लाइन कमांड ले लिया। फिर से लाइन कमांड लेने के बाद अब देखिए हमारा जो ऊपर का ऑप्शन है उसको हमें मैच करा देना है। तो चलिए देखिए यहाँ से हमारा जो ये दिया हुआ है ये 10 है, तो हमें क्या करना है, 10 की लाइन ऊपर ले लेनी है। हमारा जो दिया हुआ है यहाँ से इसका 10 दिया हुआ है, तो चलिए हम ले लेते हैं इसका 10। जो हमारी बिग सर्किल का है वो दिया है 10 रेडियस है, इसलिए इसका हम यहाँ से ड्रा कर लेते हैं ये वाला आप पूरा पोर्शन। तो हमें चलिए ड्रा करके आपको दिखा देते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से लाइन कमांड ले लेनी है।
लाइन कमांड यहाँ से लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 10 ऊपर की तरफ ले लेना। 10 लेने के बाद आपको इस तरह से हमारा लॉकिंग यहाँ टच करा देना है। अब ट्रैक करके आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ टच करा देना है। अब देखिए हमारा जो है ये वाला ऑप्शन पूरा बनकर रेडी हो चुका। अब आपको क्या करना, चिकन पोर्शन बनाना है। तो हमें क्या करना है, इसका जो ये हाइट दिया हुआ है आपको हम दिखा दें, यहाँ से जो इसका हाइट दिया हुआ है डायमेंशन से हम आपको दिखा दें कि इसका जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी दी हुई है। अब यहाँ से जो इसकी हाइट दी हुई है आप लोग को दिखा दें, हम इसकी हाइट ऊपर चली गई है इसलिए शो नहीं हो रहा, 18 है, 68 है, सॉरी 18 है। तो इसको हम ड्रा कर देते हैं। तो चलिए हम ड्रा करके दिखाते हैं, इसका फिलेट भी दिखा दें हम आपको, इसका फिलेट कितना है दिया हुआ है यहाँ से आपको, यहाँ से इसका फिलेट जो है 5 का दिया हुआ है, यहाँ से इसका फिलेट 5 दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको डिलीट करते हैं, उसके बाद इसको ड्रा कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको लाइन कमांड ले लेना है फिर से। यहाँ से लाइन कमांड लेने के बाद आपको आपको अब यहाँ से क्या करना है, इसका भी रे लेना है, RAY इंटर में इसका भी रे लेना है। तो आपको यहाँ से इसको ट्रैक कर लेना है, हमने इसको भी ट्रैक कर लिया। उसके बाद फिर से RAY लेना है, रे इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ से इसका भी रे कमांड से ले लेंगे ऊपर की तरफ। अब हमने ले लिया, अब आपको क्या करना है, यहाँ से लाने के बाद आपको यहाँ मिला देना है इसको। तो चलिए हमारा यहाँ से हम इसको ट्रिम कर देते हैं, ऊपर की तरफ हमें लेना था 18। यहाँ से इसकी टोटल डिस्टेंस जो है आपकी ले लेते हैं हम। दोस्तों अब क्या करना, आपको ओ इंटर ऑफसेट करना है इस लाइन का 30 पे। तो हमें क्या करना, ओ इंटर प्रेस करेंगे, ओ इंटर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, सॉरी डिस्टेंस देंगे 30। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, हमें ऑफसेट ऊपर की तरफ करना है। तो हम इसका ऑब्जेक्ट, सॉरी हमारा दूसरा हो रहा था, तो ओ इंटर 30 इंटर ऑब्जेक्ट को हम पूरे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ऊपर 30 की तरफ इंटर कर देंगे। अब देखिए हमारा जो कहीं यहाँ सॉरी हुआ नहीं, इंटर 30 इंटर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, उसके बाद यहाँ ऊपर दे देंगे, उसके बाद हम सॉरी हमारा नीचे बन गया, डिलीट कर देते हैं इसे, हमने डिलीट कर दिया। फिर से ओ इंटर करेंगे, 30 इंटर ऑलरेडी दिया है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ ले जाके हम इसको टच करा देंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है बनकर रेडी हो चुका है। अब क्या करना, आपको यहाँ से इसको मिला दिए हैं हमने, उसके बाद जिसकी हमें ज़रूरत है उसको रखेंगे, बाकी को ट्रिम कर देते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ से ट्रिम कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम इन सभी को क्या करते हैं, यहाँ से ट्रिम कर देते हैं, और इसकी भी ज़रूरत नहीं हमें। तो यहाँ से हम इसको चलिए ट्रिम करके यहाँ से दिखा देते हैं। अब देखिए हमारा जो है ये ट्रिम हो चुका है। इस तरफ से हमें क्या करना है, इसका मिरर कर लेना है, इसके सेंटर पॉइंट से हमें क्या करना है, MI इंटर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर पॉइंट दे देंगे इसका जो हमारा है, यहाँ से हमारा इस तरफ से जो है मिरर हो चुका है। अब देखिए जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है उसको क्या करेंगे, हम फिर से ट्रिम कर देंगे। तो ट्रिम करने के लिए TR इंटर आपको सिंपली कीबोर्ड से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपको सिंपली आपका ये बनकर जो है रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है,
इसमें जो आपको स्लेट देना है कुछ इस तरह से, इसका हम इसकी बीच की लाइनों को जो इसकी ज़रूरत नहीं है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम उसको ऐसे ही रखते हैं, इसको हम ट्रिम कर देते हैं यहाँ से। चलिए छोड़िए, इसको छोड़ देते हैं हम। उसके बाद आपको क्या करना, फ्लेट लेना है या एल लेना है। फिलेट लेना है तो आपको क्या करना है, फिलेट पे क्लिक करना है। आपके बाद रेडियस देना 5 की, तो 5 दे दिया। उसके बाद आपको मिंट मल्टीपल पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से इसका ऑप्शंस दे देना है। अब हमारा जो है ये फिलेट हो चुका है इस तरफ से हमारा फिलेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इधर भी हमें फिलेट देना है, तो आपको फिर से लाइन कमांड ले लेना है यहाँ से इसका। फिर से F एंटर करेंगे, उसके बाद इसका कमांड जो ले लेंगे रेडियस इसका जो हमें 5 दिया, 5 ऑलरेडी है, एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसको ले लेंगे। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है बनकर कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इन सभी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ट्रिम डिलीट ही कर देते हैं डायरेक्ट। हमने इसको देखिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इनको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो चलिए यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं इस तरह से कुछ, उसके बाद इसे डिलीट कर देते हैं हम। अब हमारा सारा सेलेक्ट हो चुका है, उसके बाद हम कीबोर्ड से डिलीट इंटर कर देना। चलिए हमारी जो लाइनें हैं इस तरह से कुछ रेडी हो गई है। अब आपको क्या करना है, हमारा इसको मैश प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, MATCH मैश प्रॉपर्टी पे क्लिक करिए। इसके बाद इंटर करेंगे, उसके बाद इसका कलर ले लेना है हमें, उसके बाद इन पे डाल देना है। हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको ले जा के इस पे मैश प्रॉपर्टी कर देनी है। अब देखिए हमारा यहाँ से मैश प्रॉपर्टी हो चुका है, यहाँ भी हमारा मैच हो गया है। इसको क्या होगा कि मैच प्रॉपर्टी करने से आपका जो है कलर फिर से एक्टिवेट हो जाता है। देखिए उस तरह से हमारा मैच हो गया, अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। हम ड्राइंग में एक बार देख लेते हैं, जिसकी ज़रूरत उसे रखेंगे, बाकी को ट्रिम कर देंगे। तो चलिए हमें अब फिर से क्या करना, ट्रिम करना है, तो हम इसको क्या करते हैं, फिर से ट्रिम कर देते हैं। TR एंटर, फिर से यहाँ से इसको ट्रिम करना है, तो हम इसे ट्रिम कर देते हैं। तो दोस्तों अब आपका ऑब्जेक्ट है जो कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ आपका ऑब्जेक्ट जो है जिससे इसमें दिख रहा है उस प्रकार से आपका बनकर रेडी हो गया है। अब आपको क्या करना है, हैच लाइन देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे आ जाना। ऑब्जेक्ट पे आने के बाद आपको यहाँ से हैच दिया हुआ है, तो हैच पे जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ANSI 31 ले लेना। उसके बाद लेने के बाद आपको इस ऑप्शन पे और इस पे क्लिक कर देना है। अब देखिए आपका हैचिंग लाइन दिखा नहीं रही है, वहाँ से इस तरह से आपका जो है हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेंटर दिखाना है, तो चलिए हम सेंटर लाइन को दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ से प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ से आपको सॉरी लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद जो आपका है सेंटर का कलर हम रेड ग्रीन दे देते हैं, कुछ इस प्रकार से कोई कलर दे देते हैं। चलिए हम इसका कलर ये वाला दे देते हैं, कुछ ब्लैक दे देते हैं, ब्लैक दिखेगा नहीं हमारा। कुछ इस प्रकार से आप कोई भी कलर दे सकते हैं, तो मैंने रेड दे दिया। रेड देने के बाद आपको यहाँ से लेयर पे जाना है, अदर पे जाना है। अब आपको कंटिन्यूस लाइन दिखा रही है और सारी लाइंस दिखा रही है, 100 लाइंस तो यहाँ दिखा नहीं रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से लोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ से जब आप लोड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कहीं सेंटर लाइन दिखाने वाली होगी यहाँ, या यदि आप यहाँ से CENTR इस एंटर क्लिक करके आप यहाँ इसको सर्च भी कर सकते हैं। अब आपके सामने कहीं नीचे इस तरह से सेंटर लाइन होगी, तो उसको क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है।
हिडन दिखा रही है, सेंटर लाइन हमारी अभी दिखा नहीं रही है। सेंटर लाइन हमारी यहाँ है तो हमें क्या करना है, ये वाला सेंटर ले लेते हैं हम तो। ओके करेंगे, उसके बाद करंट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। अब हमारा सेंटर लाइन जो हमारा यहाँ लेयर प्रॉपर्टी में दिखाने लगा है। अब आपको लाइन कमांड फिर से लेना, लाइन कमांड लेने के बाद आपको यहाँ से इसका सेंटर लाइन दे देना है। तो चलिए हम इसका सेंटर लाइन यहाँ से देना स्टार्ट कर देते हैं। इसका सेंटर हमने इसको दे दिया, फिर से लाइन कमांड लेना है। उसके बाद यहाँ से आपका इसका यहाँ से ट्रैक करना है, ट्रैक करने के बाद यहाँ से आपको फिर से इधर सेंटर लाइन इसका दे देना है, फिर से एंटर प्रेस करना है और यहाँ से इसका जो है ट्रैक करके हमें ऊपर की तरफ ले जाना है, उसके बाद सेंटर लाइन दे देना। अब देखिए आपका जो सेंटर लाइन सही प्रकार से दिख रही नहीं रही है, तो आपको क्या करना है, LTS कमांड लेना है। उसके बाद यहाँ इसका स्केल 1 है तो आप इसका स्केल 4 देंगे तो आपका विजिबल आसानी से होने लगेगा। तो आप देखिए इसका जो है विजिबल इस प्रकार से कुछ आसानी से होने लगा है। आप देखिए यहाँ से इसका जो है विजिबल होने लगा है। तो अब आपको क्या करना है, इधर भी वही करना है। तो यहाँ से आपको लाइन कमांड ले लेना है, लाइन कमांड लेने के बाद यहाँ से इसको ट्रैक कर देना है। अब ट्रैक करेंगे कुछ इस प्रकार से देगा, इसके बाद इस तरह आप इस तरह से दे सकते हैं सेंटर लाइन। उसके बाद इधर भी सेम वही पोजीशन पे करना है, तो हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ ट्रैक करेंगे, ट्रैक करने के बाद दोनों तरफ से हमें सेंटर लाइन दे देना है। अब हमें यहाँ भी सेम उसी प्रकार से करना है, तो आपको यहाँ से ट्रैक करना है। ट्रैक करने के बाद आपको यहाँ से कहीं से मिला के ला के नीचे की तरफ नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा स्पेस नहीं है नीचे की तरफ, आपको इसको ऊपर करना है, फिर से लाइन कमांड लेना है। लाइन कमांड लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर से वही काम कर देना है, यहाँ से इसको ट्रैक करना है, ट्रैक करने के बाद ऊपर जाना है। ऊपर यहाँ कहीं क्लिक करने के बाद इस तरफ से आप दे सकते हैं, फिर इसी प्रकार इस साइड भी हमें देना है, फिर से एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको फिर से उधर ही जाना है, उधर जाने के बाद आपको यहाँ दे देना है। देखिए हमारा जो है ऑब्जेक्ट कुछ बनकर इस प्रकार से रेडी हो चुका है। अब रेडी होने के बाद से नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो है, हमें क्या करना है, डायमेंशन देनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस प्रकार से आना है, सबसे पहले लीनियर पे क्लिक करना है। लीनियर पे क्लिक करने के बाद आपको इसका यहाँ से यहाँ जो है आपका इस प्रकार से दे देना है। अब देखिए हमारा जो इसका डायमेंशन है कुछ इस प्रकार से है, तो हम इसको दे देते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो कुछ रेडियस देनी है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से रेडियस पे जाना है। रेडियस पे जाने के बाद आपको सिंपली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना और उसको दे देना, फिर से इंटर करना है। हमें इस प्रकार भी देना है, हमारा यहाँ भी दे देते। अब हमें क्या करना है, इन वालों को देना है, तो हमें इस प्रकार से इंटर प्रेस करके दे सकते हैं। मैं इस तरह इसका भी देना है तो हम इसको दे सकते हैं। उसके बाद बाहर वाले का देना है हमें, तो बाहर वालों को भी यहाँ दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आप अपने डायमेंशंस भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।